हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और बहुत बढ़िया तो नहीं बोल सकती, लेकिन एक बात बोल सकती हूँ कि प्लीज़ आप घर में रहें, और घर में रहेंगे तो सेफ़ रहेंगे। और अगर घर से बाहर निकलना है तो डबल लेयर, मतलब डबल मास्क लगा के निकलें, क्योंकि आज आप देखेंगे कि हर घर में कोई ना कोई पॉजिटिव ही है। तो प्लीज़ सेफ़ रहिए और घर में रहिए। तो आज मैं थोड़ा घर में क्लीनिंग करने के लिए कुछ चीज़ का रिव्यू लेके आई हूँ, और सामने दिख रहा होगा कि आज का मेरा वीडियो है फेम फेयरनेस नेचुरल हेयर रिमूवल क्रीम का। अब भाई, अभी तो पार्लर जाना फिर से बंद हो गया, तो अगर किसी को हेयर रिमूव करने हो, मैं इसको अंडर आर्म्स पे लगाने की कभी भी सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि स्किन काली होती है और मैंने खुद भी देखी है कई लोगों की काली होते हुए जब मैं पार्लर में जाती वैक्स कराने। तो इस पर इसको पहले ही बता दूँ कि इसको अंडर आर्म्स में कभी भी अप्लाई मत करना। तो चलिए हम इसको शुरू करते वीडियो को। तो ये है फेम फेयरनेस नेचुरल हेयर रिमूवल क्रीम, फेयर एंड सॉफ्ट गोल्ड है फॉर द ऑल स्किन टाइप, ये आगे लिखा हुआ है। और मैं बता दूँ, ये मैंने मंगाया था 1mg.com से, तो काफ़ी टाइम हो गया इसको लिए हुए मुझे। और मैंने कुछ मेडिसिन मंगाई थी तो उसके साथ ये मैंने देखा कुछ अच्छे डिस्काउंट पे था, तो मैंने इसको ले लिया। तो ये गोल्डन कलर में है, पूरा फेयर एंड सॉफ्ट फॉर ऑल स्किन टाइप, एंड 50% एक्स्ट्रा है। 60 ग्राम का है और प्राइस 40 ग्राम का है। 3 मिनट में आपके बाल साफ़ हो जाते हैं, तो आज हमें यही देखना है कि 3 मिनट में कितने हेयर रिमूव होते हैं। तो डेमो है लास्ट में, आपको तब पता चल जाएगा। तो फेयरनेस नेचुरल हेयर रिमूवल क्रीम, फेयर एंड सॉफ्ट गोल्ड। इंग्रेडिएंट इसके दिए हुए हैं कि कौन कौन सा है, ये सारे केमिकल नेम ही है, आप देख सकते हैं ये। एंड एवोकाडो ऑयल नई चीज़ है, एंड लिकोरिस एक्सट्रैक्ट। नेट वेट 60 ग्राम है। डाबर इंडिया का, मतलब डाबर का ब्रांड है आपका जो ये हेयर रिमूवल क्रीम है फेम। तो चलिए देखते हैं कि अंदर का प्रोडक्ट कैसा है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मरियल हो गया डब्बा। अब बिना यूज़ किए वीडियो ही क्या बनाना, मेरा तो ऐसा सोचना है। तो ये देखिए, आधे ज़्यादा ये यूज हो चुका है, पानी लगा, आधे ज़्यादा ये यूज़ हो चुका है। तो ये इस टाइप का ये गोल्डन सा, बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है इसके, गोल्डन सा ये आएगा फिर, और ये बहुत अच्छा खासा चल जाता है गाइस। और इसके साथ ये इसका एक पेपर मिलेगा साथ में, पूरा इसके सारे आपके दिए हुए हैं कि कौन कौन सा ये आपका किस किस तरह का अवेलेबल है। तो ये दिया है कि पहली बार प्रयोग करने वाले पैच टेस्ट की सलाह दी जाती है, और जिसके स्पेचुला है वो आपके क्रीम को पूरा सही से लगाता है, और क्रीम जो है जल्दी असर करता है, 3 से 6 मिनट के अंदर बाल साफ़ हो जाते हैं। ये निर्भर करता है कि बाल कितने घने हैं, और त्वचा पर ये क्रीम 6 मिनट से अधिक नहीं रखनी है। तो गाइस, ये भी आप देख लीजिए, अभी मेरे गले में थोड़ी खराश है तो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए सामने से वीडियो नहीं बनाया। एंड क्रीम को स्पेचुला से साफ़ कर दें, और खुद देखें कि किस तरह से तुरंत अनचाहे बालों का सफाई हो गया। त्वचा को सादे पानी से अच्छी तरह से धो लें और थपकी देकर सुखा लें, अपनी त्वचा में तुरंत कोमलता और दमक पैदा होगी। और आप चाहते तो बाद में मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं, मैं तो मॉइस्चराइज करने की आपको बोलूँगी कि किसी किसी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है तो आप कर सकते हैं। लेकिन क्रीम में ये एक अच्छी बात क्या होती है, हेयर रिमूव क्रीम मैंने देखा ना कि स्किन बहुत ड्राई नहीं होती, वही अगर आप रेजर यूज़ करते हो तो स्किन आपकी बहुत ड्राई हो जाती है, इचिंग होने लगती है, बट इस क्रीम में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलिए एक बार इसका प्राइस देख लेते हैं। प्राइस इसका गाइस है 65 रुपीज़, और ये 2 साल की एक्सपायरी लाइफ के साथ है, मतलब 5/20 का है और 5/23 में एक्सपायरी। और मुझे लिए उसको काफ़ी दिन हो गया गाइस, मतलब मैंने 20 में ही लिया था और ये अभी तक काम करता है। और इसकी जगह मैंने वीट अगर लेती थी तो वीट 1 से 2 बार यूज़ में, तीसरी बार में वो हेयर रिमूव नहीं करता था, वो मतलब बेकार हो जाता था। और ये तो मतलब ठीक है, मैंने इसको 3-4 बार यूज़ किया और ये अच्छा चल रहा है और अभी भी काम कर रहा है। आज ही मैंने एक डेमो वीडियो बनाया, अभी आगे एडिट इसमें दिख जाएगा आपको, मैंने यूज़ किया और अच्छे से बाल रिमूव हो गए। और कैसे बाल रिमूव हुए हैं तो चलिए आपको दिखा भी देती हूँ, और बिल्कुल भी इचनेस या रेडनेस नहीं हुई है। एंड यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि वी स्पोक टू मैनी गर्ल्स लाइक यू, मैनी ऑफ देम वॉन्टेड ब्राइट फेयर एंड स्मूथ स्किन इन द हेयर रिमूवल क्रीम, एंड विच इज बेटा हिला मत बेटा विच इज वाई वी हैव स्पेशली फॉर्मुलेटेड फेम फेयरनेस नेचुरल हेयर रिमूवल क्रीम, फेयर एंड सॉफ्ट। इट्स यूनिक फॉर्मुलेशन, द इसका क्या यूनिक फॉर्मुलेशन है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट, मतलब मुलेठी एक्सट्रैक्ट, नो वी गिव द
फेलनेस एंड अवाकाडो ऑयल सोर्स ऑफ विटामिन ए डी एंड इन विच मॉइस्चराइज एंड नरिश टू स्किन टू गिव ए लॉन्ग लास्टिंग स्मूथ एंड सॉफ्ट टच गिविंग टू कॉन्फिडेंस टू स्टेप आउट नेवर साई फ्रॉम रेजिंग योर आर्म्स बी हु यू आर। मतलब ये बोल रहा है कि अंडर आर्म्स में आप कर सकते हो, और इनको हैशटैग भी है कि रेज योर आर्म्स। कई लोग करते भी हैं बट मुझे नहीं सूट किया अंडर आर्म्स पे, तो मैं नहीं करती, मैं वैक्स ही प्रिफर करती हूँ। और ये पूरा दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या है, एक इंस्ट्रक्शन लीफलेट है, फेम आपका ट्यूब है एंड स्पेचुला है। और आपको दिया हुआ है कि पैच टेस्ट करना ही करना है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, मैक्सिमम 6 मिनट तक रखना है। अगर बोलूँगी अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ पहले छोटी कैंची से काट लो, उसके बाद हेयर रिमूवर क्रीम लगाएं। और हल्के बालों में तो 3 मिनट के अंदर निकल ही जाते हैं यार। तो देखिए आप डेमो देखिए कि कैसे सारे बाल ईजिली निकल गए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड से भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले छीक दिया, गॉड ब्लेस यू। तो आगे आप डेमो देखिए, और डेमो देख के मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ये है गाइस ट्यूब, और मैं अपने पैरों के हेयर को बहुत ज़्यादा लंबा जानबूझ के कर लिया। मैं वैसे वो कर लेती हूँ, रेजर से साफ़ कर लेती हूँ पैरों के बाल। तो ये देखिए जानबूझ के बड़े बाल किए कि मतलब आपको दिखाऊंगी कैसे रिमूव होते अगर बड़े बड़े बाल हैं तो देखने थोड़ा अजीब सा लगेगा। इसको वाइट करिएगा, मुझे खुद भी अजीब लग रहा था। तो मैं अभी आपको डेमो दे रही हूँ अपने पैर पर लगा के, क्योंकि छोटे बाल में इतनी आसानी से दिखता नहीं ना पता चलता है, और बड़े बड़े बालों में बहुत अच्छे से पता चल जाता है। मैंने फुल ग्रोथ कर ली कम से कम 6 महीने की, और उसके बाद ही बहुत लंबे टाइम तक मैं वीडियो को वेट कर रही थी। और ये मैं अच्छे से इसको स्प्रेड कर लूँगी स्पेचुला की हेल्प से, और ऐसे ही आपको सेम ऐसे स्प्रेड कर लेना पैरों पे, और उसके बाद आपको इसको छोड़ देना। और ये देखिए 3 मिनट के बाद मेरे बालों का हाल ऐसे जैसे सिकुड़े सिकुड़े से मरे मरे बाल से फील होंगे, बस आपको रिमूव करना। और देखिए स्पेचुला से एक ही बार में सारे हेयर रिमूव, मतलब वाकई में एकदम स्मूथ, अब बिल्कुल भी इचीनेस या जलन या रेडनेस नहीं है, आप देख सकते सामने, और पैरों का कलर एकदम सडनली और चेंज हो गया और क्लियर हो गया। तो आप देख सकते मतलब एकदम क्लियर स्किन भी कर देता है साथ में, मतलब टोटल वे में मुझे बहुत अच्छी क्रीम लगी ये। और मेक श्योर कि आप शॉर्ट्स पहन के ही अगर पैरों के बाद साफ करें तो करें, क्योंकि अब लंबे कपड़े पहनेंगे तो आपकी क्रीम लग सकती है। तो मैंने भी शॉर्ट्स पहने हुए हैं घुटने तक के, और उसके बाद लगा रही है कि क्रीम लगना चाहिए। क्रीम थोड़ी स्मेल तो करती है, बट इसकी स्मेल बहुत तेज़ नहीं है, वीट की तरह हल्की ही स्मेल है। हो सकता है मेरी नाक बंद हो तो मुझे ज़्यादा स्मेल ना आ रही हो। तो देखिए पैर कितने सॉफ्ट और स्मूथ हो गए हैं, मतलब वाकई में पूरा कलर चेंज हो गया। आप देख सकते हैं बाल वाले पार्ट को और जहाँ पे हेयर रिमूव हो गए वो वाले पार्ट को, कितना डिफरेंस लग रहा है दोनों में। तो क्रीम मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं कभी इसको काफ़ी टाइम से, मतलब मुझे तो 1 साल लगभग यूज़ करते हो ही गया है। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करें प्यारे प्यारे। और तब तक के लिए बाय बाय। कोई नया नेक्स्ट रिव्यू चाहिए तो ज़रूर बताइएगा गाइज़।